सतवीं जमात के विद्यार्थियों का एक बार फिर तो स्वागत है। बचो 13वां अध्याय असी कर रहे हाँ। कल असी किता सी कि आधार की हुंदा है ते उहदी घात की हुंदी है उहदे बारे असी समझिया सी। कल अज असी घात अंकां दे कुछ निज़म हन उहनां दे बारे समझांगे। सब तो पहला जिहड़ा निज़म है वह है एक ही आधार वालियां घातां दी गुणा। तो बच्चों आओ असी शुरू करिए। जिवें मेरे कोल है दो दी घात दो गुणा दो दी घात तीन। अगर मैं इनू करन दी कोशिश करां तो मैं इनू लिखांगा दो गुणा दो। इस संख्या नू मैं ए लिखिया दो दी घात तीन मतलब दो गुणा दो गुणा दो। इस संख्या में मैं यह लिख देता हूँ। मेरे को आ गया दो दी घात पांच एक दो तीन चार पांच तो इनू मैं लिख सकते हैं दो दी घात दो जमा तीन। आओ इनू फिर तो समझने की कोशिश करिए कि इस संख्या तो असी इस संख्या तक पहुँचे हैं यह दोनों आपस के बराबर हैं। सानू देखने ये पता चल रहा है कि अगर दोनों के आधार बराबर हैं तो उसनों असी इस तरह ही लिख लेना तो जिहड़ियां उहदियां घातां हैं उन्होंने दोनों नू जोड़ लेना है। एक होर एग्जाम्पल करन की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे को एक रकम है माइनस तीन की घात चार है गुणा माइनस तीन की घात तीन है। माइनस तीन की घात चार तो मतलब माइनस तीन नूं मैं चार बारी गुणा करना है। माइनस तीन की घात तीन तो मतलब माइनस तीन नूं मैं तीन बार गुणा करना है। तो बच्चों इस सारी दी थां दे उत्ते असीं पिछे पढ़ के आए हैं तो मैं माइनस तीन की घात सत भी लिख सकता हाँ क्योंकि इन्हां दी गिणती सत है एक दो तीन चार पाँच छे सत। भाव ये हो गया कि माइनस तीन की थां दे माइनस तीन की घात सत की थां दे उत्ते मैं चार वटा तीन भी लिख सकता हाँ। अगर असी इहनू समझण की कोशिश करिए कि जदों इहदे आधार समान सन असी उही आधार इत्थे लिख लिया तो घातों नूं असी जोड़ लिया दोनों हिस्सों के असी घातों नूं जोड़न की कोशिश कर रहे हाँ। तो असी इस नतीजे ते पहुँचे हाँ कि कोई भी संख्या होवे मान लो ए है उहदी घात एम है गुणा ए है उहदी घात एन है तो इनू असी ए दी घात एम जमा एन लिख सकते हाँ। तुसी फार्मूला पक्का याद रखना है लेकिन बच्चो ये इस गल का ख्याल रखना है कि जड़ा ए है वो साडा नॉन जीरो इंटीजर हो सकता है जिनू असी गैर सिफर संपूर्ण संख्या कहोंगे। इस गैर सिफर संपूर्ण संख्या होनी चाहिए है। इस तो इलावा ये जीरो नहीं होना चाहिए ए तो जोड़ा एम तो एन है ये दोनों पूर्ण संख्या हो गए। इस गल का तुम ख्याल रखना एक तो फार्मूला पक्का ही बन गया है कि तुम याद रख लेना है कि जो दो घात बराबर घात साढ़िया बराबर ना हो लेकिन आधार बराबर हो उन्होंने गुणा करना हो संख्यावान तो वह फार्मूला यह बनेगा। तो बच्चो ये नाल जिमें तुम स्क्रीन पर देख रहे हो कोशिश करो सरल करके घातंकी रूप लिखो। यह जोड़े सवाल हैं छे सवाल हैं थोड़ी स्क्रीन के उत्ते नज़र आ रहे हैं ये तुम छे दे छे सवाल तुम ये करने हैं। तो एक गल का तुम होर ख्याल रखना है कि जेकर इस तरह हो
तो इनू असी कभी भी उस वाला फार्मूला जिहड़ा असी पिछे लगाया है ए की घात एम गुणा ए की घात एन वाला वो असी नहीं लगा सकते। हुण असी दूसरा पार्ट करांगे बच्चों। दूसरे भाग दे विच एक ही आधार वाली घातों की भाग वो किवें करनी है, आओ एक एग्जाम्पल लैने। साढ़े कोल मान लो एक एग्जाम्पल है तीन की घात सत्त भाग तीन की घात चार। देखो बच्चों इसनों मैं इस तरह भी लिख सकता तीन की घात सत्त बटा तीन की घात चार, तो मैं इस संख्या नूं इस प्रकार भी लिख सकता हाँ कि तीन की घात सत्त तो मतलब तीन नूं असीं सत्त बार लिखना है। तीन की घात चार मतलब इसनूं असीं चार बार लिखना है। तो जिस तरह असं करते आए हैं एक तीन दे नाल है तीन कट्टिया गया एक दे नाल है कट्टिया गया तीन एकम तीन तीन एकम तीन साढ़े कोल बचिया तीन की घात तीन भाव तीन की घात सत्त घटाओ चार, क्योंकि अगर असी सत्तां विचों चार कढ़ना कि तीन आंदा है। लो असी साढ़े कोल जिहड़ा नतीजा है वो ये निकलिया नतीजा निकले साढ़े कोल अगर तीन की घात सत्त होवे भाव कि दोनों यह भी तीन की घात चार है दोनों इको जिहियां संख्यावां होन ते असी की करना है उहदे विचकार भाग करनी है दोनों संख्यावां नूं दोनों घातां नूं ते जिहड़े घात अंक हन वह असी माइनस कर देने हन ते आधार नूं असी सेम लिखना है। हुण असी एक होर एग्जाम्पल लैके इहनूं हल करन की कोशिश करदे हां। पांच की घात छे ते भाग पांच की घात दो जिवें असी पहला भी किया है। पांच की घात छे मैं उपर लिख लिया पांच की घात मैं दो थले लिख लिया क्योंकि ये दोनों आपस दे विच भाग हो रहे हैं। पांच की घात छे तो भाग पांच नूं छे बारी लिखना ते पांच की घात दो तो मतलब पांच नूं दो बारी गुणा के रूप से लिखना सी। पांच दे नाल पांच कटे गया पांच दे नाल पांच कटे गया पांच एकम पांच पांच एकम पांच ठीक है बच्चों साढ़े कोल बच गया पांच की घात चार भाव पांच की घात छे कटाओ दो। तो बच्चे हुण असीं जदों असीं इस संख्या नूं इस संख्या दे नाल समझांगे तो मैनूं लगता कि तुहानूं समझ आ गई होएगी कि जदों दो संख्यावां दे आधार इक्को जे हन घातां वक्रियां वक्रियां हन विचकार उहदे भाग दा निशान है ते दोनों नूं असीं माइनस करदे हाँ घातां नूं आधार नूं असीं उस प्रकार ही लिखते हाँ। भाव इह हो गया कि कोई संख्या एम की घात सॉरी ए की घात एम होवे डिवाइड भाग ए की घात एन होवे तो उहदा फार्मूला साडे कोल सीधा ही बन गया ए की घात एम माइनस एन। तो इत्थे बच्चो एक गल तुसी ख्याल रखना है कि जिहड़ा ए है वो गैर सिफर संपूर्ण संख्या है नॉन जीरो इंटीजर्स ते जिहड़ा एम एंड एन है वो साढ़े कोल पूर्ण संख्या होनी चाहिए है पूर्ण संख्या होनी चाहिए है। तो बच्चो इस तो बाद तुसी जड़ा तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते नज़र आ रहा है कोशिश करो उहदे विच सरल करके घातंकी रूप विच लिखो ते उदाहरण उन्होंने लिखी हुई है नाल तुसी ये जड़े पांच सवाल हन ये अपनी कापियां ते करने हन ते अपने अध्यापक कोलों चैक भी करवाने हन। तो असी तीसरा जड़ा इहदा हिस्सा है उहदे वल वधदे हां। तीसरा है एक घात की घात मतलब कि मेरे कोल सपोज दो की घात तीन है तो इस सारे की घात दो है मान लो इनू असी किस तरह सॉल्व करना है। तो बच्चों आओ देखिए
ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ। 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2, ਔਰ ਇਸ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2, ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਦੀ ਘਾਤ 6, 2 ਦੀ ਘਾਤ ਸਾਡਾ 6 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ 2 ਦੀ ਘਾਤ 6 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਗੁਣਾ 2। ਤੋ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਘਾਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਘਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਘਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਾਤ 4। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ 4 ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਗੁਣਾ 3, ਇਸ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਘਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਗੁਣਾ 3, 3 ਗੁਣਾ 3, 3 ਗੁਣਾ 3। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 ਦੀ ਘਾਤ 8, ਅਤੇ 3 ਦੀ ਘਾਤ ਜਿਹੜੀ 8 ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਗੁਣਾ 4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਹੋਵੇ, 3 ਆਧਾਰ ਹੈ, 2 ਦੀ ਘਾਤ ਹੈ, ਘਾਤ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਘਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏ ਦੀ ਘਾਤ ਐੱਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਐੱਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਏ ਦੀ ਘਾਤ ਐੱਮ ਗੁਣਾ ਐੱਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੈਰ ਸਿਫਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐੱਮ ਅਤੇ ਐੱਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਇੱਕ ਘਾਤ ਦੀ ਘਾਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 271 ਪੇਜ ਸਫ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਘਾਤਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 4 ਸਵਾਲ ਹਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚੌਥੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਘਾਤ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਘਾਤ 3। ਤੋ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਘਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ। 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏ ਦੀ ਘਾਤ ਐੱਮ ਗੁਣਾ ਏ ਦੀ ਘਾਤ ਐੱਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਏ ਦੀ ਘਾਤ ਐੱਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਐੱਨ। ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਏ ਦੀ ਘਾਤ ਐੱਮ ਡਿਵਾਈਡ ਏ ਦੀ ਘਾਤ ਐੱਨ ਏ ਦੀ ਘਾਤ ਐੱਮ ਮਾਈਨਸ ਐੱਨ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏ ਦੀ ਘਾਤ ਐੱਮ ਦੀ ਘਾਤ ਫਿਰ ਐੱਨ ਹੋਵੇ
ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ a ਦੀ ਘਾਤ m ਗੁਣਾ n, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ a ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿਫਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ m ਅਤੇ n ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਦਾ ਭਾਵ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। 3 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 3 ਨੂੰ 3 ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 2 ਗੁਣਾ 3 ਦੇਖੋ, ਇਹ 2 ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ 3 ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ 2 ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ 3 ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ 2 ਲੈ ਲਿਆ, 3। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 6 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 6 ਦੀ ਘਾਤ ਬਣ ਗਈ 3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, 6 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਾਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, 4 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਅਤੇ 3 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਲੈ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, 4 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਘਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, 4 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਅਤੇ 3 ਦੀ ਘਾਤ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ, 4 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 4, ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਘਾਤ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਾਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਾਤ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਕਮ ਹੈ ਏ ਦੀ ਘਾਤ 'm' ਅਤੇ ਗੁਣਾ 'b' ਦੀ ਘਾਤ 'm' ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 'a' ਨੂੰ 'b' ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 'a' ਅਤੇ 'b' ਨੇ, 'a' ਅਤੇ 'b' ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਨ, ਗੈਰ ਸਿਫਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 'm' ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ। ਤੋ ਬੱਚੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5ਵੇਂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਾਤਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 2 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡ 3 ਦੀ ਘਾਤ 4। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਅਤੇ 3 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਾਂ, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 ਵਾਰੀ ਹੈ, 3 ਦੀ ਘਾਤ 4, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ 4 ਵਾਰ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, 2/3 ਗੁਣਾ 2/3 ਗੁਣਾ 2/3 ਗੁਣਾ 2/3।
और इस संख्या नूं मैं जेकर इस तरह लिख दिया तो मैनूं लगता नहीं कोई अतकथ नहीं होएगी, क्योंकि एक दो तीन चार चार संख्यावां साढ़े कोल, दो बटा तीन की घात चार। हुण असी इस संख्या नूं इस संख्या दे नाल असी कंपेयर करन लगे हाँ कि जदों घातां साडियां बराबर आ जाण, असी बराबर घात नूं उस प्रकार लिख लैना है, इन्हां दोनों नूं भाग दे रूप में जिस तरह कि पहलां लिखे हुआ सी लिख लेना। एक एग्जाम्पल असी होर लैने, मान लो साढ़े कोल है ए है, ए की घात तीन है तो बी की घात भी तीन है। असी की किया ए नू तीन बार लिख लिया, क्योंकि बी की घात तीन है इस करके बी नू भी तीन बार लिख लिया। जदों असी और फिर असी इस संख्या नू ए बटा बी गुणा ए बटा बी लिखांगे, उसके बाद साढ़े कोल की आ जाएगा ए बटा बी की घात तीन। तो बच्चों असी जो इनू इस संख्या के नाल कंपेयर करांगे तो साढ़े कोल एक फार्मूला बन के आ जाएगा कि ए दी तीन, ए दी घात कोई भी होवे एम, तो बी की घात भी कोई होवे एम, तो उन्हों असी किस फार्म दे विच लिखांगे ए बटा बी की घात एम सीधे आ जाएगा। तो इत्थे तुसीं इह गल याद रखनी है कि जिहड़ा जिहड़ा ए ते बी है वह है गैर सिफर संपूर्ण संख्या, तो जिहड़ा एम है जां इत्थे असी कोई होर भी इंटीजर असी लिख सकदे सॉरी पूर्ण संख्या लिख सकते हैं, एम एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए है, ये गल एक याद रखनी है। तो बच्चो नाल ही तुसीं जिहड़ा तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते नज़र आ रहा है कोशिश करो यह तुसीं जिहड़ा है करना है, ये पांच सवाल हैं तो यह तुसीं सारे अपनी कापियां दे उत्ते करना है। वो देखिए कि छेवां पार्ट इसका सिफर घात अंक वाली संख्यावां की हैं। देखो मान लो मेरे को एक संख्या है तीन की का तीन की घात पांच बटा तीन की घात पांच, ठीक है बच्चों। इस संख्या नूं मैं इस तरह भी लिख सकता हाँ तीन गुणा तीन पांच बारी, तो इस संख्या नूं मैं इस तरह भी लिख सकता हाँ पांच बारी। तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, ये सारे के सारे तीन तीन जिहड़े हन एक दूसरे नाल कट्टे जाणगे तो साढ़े कोल आ जाएगा एक वटा एक भाव साढ़े कोल आ जाएगा एक, ठीक है बच्चों। सानू इत्थों ये समझ आ रहा है कि जदों भी कोई संख्यावां आपस विच भाग हो रही होन एक तीन की घात पांच ते तीन की घात पांच, लेकिन असी हुण एक होर एग्जाम्पल ऐसे सवाल नूं इस तरह करते हाँ कि तीन की घात पांच है तो थले तीन की घात पांच है, इनू मैं दूसरे तरीके नाल करन लगा। जदों साडियां घातां आधार बराबर हन तो इहदा मतलब घातां नूं असीं माइनस कर देना है, ठीक है बच्चों। जदों असीं इहनूं माइनस किया तो यह आ गया तीन की घात जीरो। हुण जदों यह संख्या है ये तीन की घात जीरो के बराबर भी है तो ये संख्या जिहड़ी है वो एक दे बराबर भी है, इहदा मतलब ये हो गया कि तीन की घात जिहड़ी जीरो है वो एक दे बराबर होवेगी, ठीक है बच्चों। असी एक होर एग्जाम्पल लैने कि मान लो मेरे को सत्त की घात तीन है तो भाग सत्त की घात तीन है, तो साढ़े कोल जिहड़ा जवाब है वह आ जाएगा सत्त की घात तीन घटाओ तीन बराबर है सत्त की घात जीरो। सिमिलरली अगर असी इन्हां नूं भाग करके देखिए इन्हां दोनों संख्यावां नूं, मैं कर भी दिना सत्त दे तीन बटा सत्त दे तीन, तो मैनूं लगता कि सत्त गुणा सत्त गुणा सत्त तीन बार लिखण तों बाद इत्थे भी असी लिखांगे ये आएगा एक, इहदा मतलब सत्त की घात जिहड़ी जीरो है वह एक दे बराबर है। पहलां असी ये सीखिया सी कि तीन की घात जीरो जिहड़ी है वह एक दे बराबर है, दूसरी बारी असी सीखिया कि
कि 7 दी घात जे 0 है वह 1 के बराबर है। इन दोनों सवालों तो असी यह निष्कर्ष कढ लिया है, ये साडा सिट्टा निकलिया है कि कोई भी संख्या होवे, मान लो कोई संख्या ए है उसकी घात 0 है तो उसका जवाब जिहड़ा है वह 1 आएगा, 1 आएगा। तो ये असी पक्की गल कर लेनी है कि अगर 100 है उसकी घात 0 है तो भी जवाब 1, अगर एक्स है उसकी 0 है घात तो जवाब 1, अगर रोहित है उसकी घात 0 है वह भी 1 है। भाव ये हो गया कि कोई भी संख्या होवे, ये मैं ना तो लिखा कि ये समझाने लिए कि कोई भी संख्या होवे, कोई भी संख्या की घात जी 0 है वह आंसर जोड़ा है वह कि आता है 1 आता है, तो पक्का याद रखना है। लेकिन तुम इस इतने ये गल जरूर लिखनी है कि साडा जोड़ा ए है वो साडा गैर सिफर संपूर्ण संख्या है। असी अगले हिस्से वल वधने, आओ बच्चो इस पाठ के शुरू दे विच असी तुहानू ये दस्या सी कि वड्डियां संख्यावां नू जिहड़ा है सौखे रूप दे विच लिखना, म्यारी रूप स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच लिखना, असी किस तरह लिखना है ते उहदा सानू क्योंकि असी सौखे ढंग नाल पढ़ पावांगे। जिवें तुसी अपने स्क्रीन ते देख रहे हो कि सूरज साडी आकाश गंगा दे केंद्र तो काफ़ी लंबी संख्या लिखी हुई है, 3000000000 इस तरह लंबी मीटर की दूरी पर स्थित है। दो नंबर है साड़ी आकाश के विच लगभग 1 लिख के 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सिफर जड़े हैं वो लिखे हैं, तारे हैं, इन्नी लंबी संख्या है। इस प्रकार जो धरती का पुंज है वह भी असी किया कि किन्ने किलोग्राम है। ये सारिया संख्यावां थोड़ियां वड्डियां वड्डियां संख्यावां हैं, इन्हां नूं समझना लिखना बड़ा सौखा नहीं है, इसलिए इन्हां नूं असी घातंकी रूप दे विच जिहड़ा लिख के इन्हां नूं असी समझ सकते हाँ। तो बच्चो अगर असी 59 है सपोज मेरे कोल, और 59 नूं मैं 5.9 लिख के ते नाल इनू 10 ते लिख दिया, ते जां फिर मैं इनू इस तरह भी लिख सकता हैं 5.9 × 10⁻¹। सिमिलरली अगर मेरे को 590 है तो इस संख्या नू मैं 5.9 × 10⁻¹ जां 100 लिख देना, उहदे बाद मैं इनू लिखांगा 5.9 × 10⁻²। एक एग्जाम्पल होर, 59000 अगर मेरे को है तो यदा जवाब मैं लिखागा 5.9 × 40 मैं लगावगा, तो इनू मैं इस तरह लिखागा 5.9 × 10⁴। और बच्चों ये जड़ी संख्या मैं लिखी है 5.9 × 10⁴, ये असी जड़ी मुख गल है कि कोई भी संख्या होगी उन्होंने इस रूप से लिखना है कि डेसिमल जड़ा है उन इस रूप च कि जड़ा डेसिमल है उस तो इस पासे एक डिजिट होवे सिर्फ, ते बाकी दे जड़ी बाकी संख्या जड़ी है वो 10 दी पावर जड़ी है वो दे विच लिखना है, 10 दी 10 आधार दी पावर जिन्नी भी बनती होवे। इसी चीज़ नूं असीं स्टैंडर्ड फॉर्म कहने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि म्यारी म्यारी रूप। तो बच्चो असी इस लैसन दे नाल संबंधित जड़ी एक्सरसाइज है सफ़ा है 279, इस सफ़े दे उत्ते जड़ी एक्सरसाइज है 13.3 ये असी एक्सरसाइज जड़ी है इहदी प्रैक्टिस करनी है, पहला भी तुसी कीती हुई है, इन फिर तो असी करना है। तो ये जड़ा चैप्टर सी साडा अज खत्म हो गया। तो बच्चो सारे बच्चों जड़ियाँ बायोमंथली पेपर दे लई बहुत बहुत शुभकामनावां, मैं चाहवांगा कि तुहाडा जिहड़ा पेपर है अच्छा होवे, तुसीं वध तों वध नंबर लैके अपने पेपर दे विच पास होवो। तो अज दा जिहड़ा है इन्ना ही, फिर मिलांगे उस वेले तक लई, सारयां नूं नमस्कार।